इसीलिए बुजुर्गों को सम्मान के साथ घर में रहने देना, सम्मान करना, यही पुत्र का धर्म होता है। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, यही आपसे भीख मांग रहा हूं कि माता पिता का सम्मान करना। मैं जानता हूं लड़का थोड़ा मजबूर हो जाता है पत्नी के प्रति, ये भी जानता हूं। लड़का माँ से बोलने में असमर्थ हो जाता है, माँ से बोल रहा है तो पत्नी कहती है हम ठीक गए वही रहो माता। लेकिन बहनाओं याद रखना, आप शेरनी हो, क्योंकि यहां से बारात जाती है तो अकेली बैठी चली आती हो, किसी से किसी का डर भी नहीं है तुम्हें, है ना? तो शेरनी हो तो घर में अच्छी तरह से रहो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी रिश्तेदारी में तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारी बड़ाई हो। उस बच्चे को इतना मजबूर ना करो जो बच्चा तलाक देने में तुम्हें मजबूर हो जाए। कोर्ट में जाकर के देखिए, दो महीने ना शादी पूरी होते, लड़की हुए कोर्ट में बैठी, लड़का इधर बैठो देख रहे, देखिए व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाती है। संस्कार जो माता पिता पहले संस्कार दिया करते थे, आज वो संस्कार खत्म हो रहे हैं, इसीलिए हमारी बहनाओं का घर उजड़ रहा है। माताओं तुम्हारे जीवन में एक बात और बताऊं, कंगन बांधा जाता है हाथ में, शादी होती है जब लोहे का छला, आम का पत्ता, फटा हुआ कंबल का टुकड़ा क्यों बांधते हैं? अमीर की शादी की बेटी हो, अमीर की बेटी की शादी हो, याद रखना कोई सोने का छला नहीं बांधता। लोहे का छला क्यों बांधते? वो भी सोने का बांधते, पैसा तो बहुत है लेकिन लोहे का छला कहता है बहन ससुराल में जाकर के अगर पति के पास सोने के आभूषण ना हो, ये लौंग हार अगर न मिले तो लोहे के छले पहन लेना। लेकिन पति को दुखी नहीं करना, सास ससुर को कभी दुखी नहीं करना। सुन रही हो बात, मानती हो कम चिल्ला है? मानना माताओं, फटा हुआ कम्बल का टुकड़ा कहता है मखमल का गद्दा रजाई ना मिले तो फटे हुए कम्बल के टुकड़े उड़ लेना, लेकिन कभी अपने पति के यहां से रूठ के अपने मायके में नहीं आना। खाने के लिए तुम्हें अगर भोजन ना मिले, वृक्षों के पत्ते खा लेना, लेकिन रूठ के कभी अपने मायके में नहीं आना। लेकिन बारे भगवान झूरा उठाओ पिछला वाले गेट में चुप ही निकल गई, भी पीछे पीछे भी आगे आगे, बड़ी मुसीबत की बात। भैया तो कहने का हमारा मतलब है मर्यादा में रहना, ये हमारा आपका कर्तव्य है बहनाओं। इसी बीच में हमारे पास कुछ पुरस्कार आया था, 501 रुपया, श्री रघुराज सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस इटावा से हमारे पास 501 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। कन्या की खुशी में महाराज ने परिचित जी लाखों दान लुटाए, एक कन्या की खुशी में माफी चाहेंगे। माताओं हमारी बहनों को पढ़ाओ, बहनों को लिखाओ, अच्छे संस्कार दो जिससे तुम्हारा नाम रोशन हो। बहनाओं ससुराल में जाकर के ऐसे कार्य नहीं करो जो माता के पास फोन आए। ये भगवान की कथा हमें आपको शिक्षा देती है। धीरे धीरे परिचित जी जब कन्या का अवतार हुआ, कन्या जब बड़ी हुई है थोड़ी, तो उसी समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण आ गए नारद। महाराज भीष्मक ने नारद को देखा, आइए बाबा नारद आइए, बहुत दिनों में आप आए, कहां चले गए थे? नारद बोले भीष्मक, हाँ हाँ आज तुम्हारी याद आ गई, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज भीष्मक। अरे खुश की तो बात है, लड़की पैदा हुई है। नारद बोले बहुत अच्छी बात, कन्या का अवतार हुआ है। भीष्मक बोले तुम्हारा इंतजार था मुझे, मतलब मेरी बेटी का नामकरण करो, हस्तरेखा देखो और ये भी बता दो हमारी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा। बोले भैया याद रखना हमारे मामा जी जो नगला रमीक रहने वाले हैं, 101 पत्र मुद्राएं
देर और रुपया बहाना जन कर रहे हो तो भाई नंबर प्रदीप भाई साहब 101 रुपया से सम्मान कर रहे हैं। हाँ हम तो जय सुवाए थे जय टेलीम कथा कहाँ 100-100 दिए तो चार 5,000 तो ये जी का जीव का तो चला नहीं है लेकिन एक अंक कले जो लाए पे लो ये तो नाम ही गाना भैया आइए। नारद बाबा ने महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया है और कहा है देखिए सुबह लगी नवरे के नाम धर दी बेटी का नामकरण किया है महाराज भीष्मक की कन्या का महाराज देवऋषि नारद ने मृदुल राजन राजन रुक मिल जा को ना सिद्ध सब काम देव ने दियो लाला ओ श्री कृष्ण संग पिया पचन दे दियो तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। कैसी रही? और तुम्हारी बेटी के दूल्हा बनकर के आएंगे भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर। आहा जो कन्हैया का नाम सुना भीष्मक को लला कन्हैया का नाम सुनते ही अरे खुशम गली छाई गई तनम टीटू सुधर जाएगा मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा प्यारे भाई।
नाम रखा। महाराज, तुम्हारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे भगवान कृष्ण श्याम सुंदर, जिन कन्हैया के दर्शन के लिए हजारों वर्ष लोग तपस्या करते करते मर गए। बहनाओं, नारद बाबा तो वहां से चले गए, रुक्मिणी जो रहे वो धीरे 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 साबो खिलने के लायक हो गई। एक दिन की बात है परीक्षित जी, रुक्मिणी जो है वो सखियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी, तो कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो इन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। एक महात्मा बोले, भगवान कन्हैया का अवतार ब्रजभूमि पर हो गया है। वाह भाई वाह, जो कन्हैया का नाम लला रुक्मिणी के कान में पड़ो संदीप, कन्हैया का नाम रुक्मिणी के कान में जैसे ही पड़ा तो बाई दिना से पहनाओ रुक्मिणी जो है भगवान की दीवानी बन गई। चलते फिरते उठते सोते, यानी कन्हैया का नाम सपना भी आता है तो कन्हैया का, गीत गाती है तो कन्हैया के। एक दिन रुक्मिणी ने विचार किया है, सोचने लगी बिटिया मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, विचार करती हैं, हे दीन बंधु तुम्हारा अवतार हो गया है, सोचने लगी रुक मेरे मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, माया इस जगह विराज रही, सो रुक्मिणी विचार करती हैं, दीन बंधु आप कहां हो, आप कहां हो गिरधारी, चर्चा छिड़ जावे तब हरि के गीत सुनाना लगे। रुक्मिणी भगवान कन्हैया का नाम लेती है, भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। धीरे 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 प्यारे भक्तों, रुक्मिणी जो है सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई। एक बात मैं आपको और बताऊं, घर में जब बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो माता और पिता को चिंता लग जाती है, और घर में अगर बेटी जवान है तो माँ और पिता को देखना भी बड़ा पाप है, शादी कर देना चाहिए। शादी,
कर देनी चाहिए। और शादी करो तो एक बात याद रखना, घरहीन हो जाए लेकिन परहीन। दौलत के चक्कर में कहूं, मेरा मतलब है तो उस घर में लाला समय नहीं कटता। पति और पत्नी एक गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं अगले। एक पहिया अगर कमजोर है तो गाड़ी को चलने में ऐसा हो जाए जैसे भैंसा और बैल को हरोए, बैल उए खेचा तो है। यानी घर को चलने में बड़ी मुसीबत होती है। भक्तों क्षमा चाहेंगे, लड़की अगर हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, और बिटिया अगर इंटर है तो लड़का कम से कम बीए तो होना ही चाहिए, तब तो विचार एक मिलेंगे। और एक जगह की बात बता रहा हूं, लड़की पढ़ी लिखी लड़का बिना पढ़ा लिखा शादी हो के आए गई। आप तुमने बढ़िया श्रीमान दुर्वेश यादव जी 101 रुपया दे रहे हैं, तुम रुपया धरे रहो परेशान, हम तो उसे कह देते हमें सही कहा था। भगवान से कामना करेंगे, सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी लड़की की शादी हो के आई सेवक, तो लड़का दो भाई था दोनों बिना पढ़े लिखे आते। सो लड़की एक दिन सिंगार कर रही थी, वे क्रीमें ना चली सो लगाए रही आती, तो छोटे वालों देव राव बोले भाभी काय ने कहा मैं दे दे थोड़ी। सो भाभी ने समझी जे कछु पढ़े लिखे होए सो ने आते नहीं पिता, सो उनने समझी जा आइसक्रीम है सो चाट ले। भाभी ने डांटा बोले पागल हो पढ़े लिखे नहीं हो। सो रोत भाव छोटे वालों बड़े भैया के पास में गओ, बोले भैया कल ब्याह होए के आओ, भाभी तो गई थे डांटन लगी जका करे। बड़ो वालो आओ बोले क्यों डाटा ऐसे, बोले स्वामी जी हमने दी क्रीम इन्होंने खाली, सो दो चार डंडा छोटे ही वाले के दे, बोले मूर्ख कहीं के रूखी काय खाई संजा रोटी डर के चुपर खाई दे तो बढ़िया रहती, अब बिना पढ़े लिखे आते ना। कहने का हमारा मतलब है, एक जगह की बात और बात आ जाती है तो कहना पड़ रहा है क्योंकि समय नहीं है। एक लड़का की शादी हो के आई, लड़का बना है बुलट कछु ढीले रहे सीधो साधो, तो ब्याह हो के जब आओ घर से जो निकलो सुबह के सलाई मिल गए दो चाचा दीवान जी जैसे, बोले यार तेरे ब्याह होया वो करे और तू तेरी जिंदगी कैसे कटे, बोले तो का करें, बोले तू तो बना सीधो है तेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, बोले तो हम का करें, बोले करे का एक कोड नंबर बता है तू, बोले बता, बोले बात बात पर जग कह दे करिए बताए बे आलम इतनी बात पर दबी दे, बोले ठीक है। सो बेचारो घरे गओ सबके रोटी पस सके नहीं, बोले स्वामी जी रोटी खा लो, बोले बताए बे आलम थरी हाथ में छुट गई, बोले पता ना जे कौन से खोपड़ी सनकी के। थोड़ी देर के बाद में पत्नी फिर भोजन लेके आई, बोले स्वामी जी अब तो खा लो, बोले बता दे भाई एक बात, सो बेचारी 10-15 दिन तो मन मुस्किन तो जीवन कटो, वो घर में सो गोबर पाथवे को गई सहेलिया उन क्यों कमनाए पत्ती सो आए गई कहो जी 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 ठीक हो, बोले जी जी ठीक का है वो ठटरी बांधो मारे डांटो, बोले काय, बोले बात बात बच्चा कहते है बता दे बता दे। एक बड़ी चाला करे, बोले जग कह दिए कदा जो कहे बता दे आलम, सोई तू जग कह दिए का बताओ बताओ सोई दबे जे सर्दी की सीजन रह जाई जनवरी को महीना रहे हार में तो घूम के आए। पत्नी बोली स्वामी जी पानी गर्म कर दे के ठंडे ही तना दियो, बोले बता दे आलम, बोले का बताओ बताओ, बोले अब कछु नहीं अब तो ठंडे ही देना है नहीं अब तो ठीक है। लड़की भी पढ़ी लिखी है तो मामला खराब है, ये तो पढ़ी रहती है आराम से सांसें लगी रहती। हाँ एक जगह लड़की पढ़ी लिखी पहुंच गई जो आराम से लेट ही रहे भाई कोई मतलब ना। हाँ लड़का बेचारो दुखी कछु कह दे तो फांसी लगाए लेती, अम्मा कछु कह दे तो मुसीबत वाली बात। सो अम्मा ने और लड़का ने सलाह बनाई, बोले ऐसो करियो लगुआ हम झाड़ू लेके जाए, तुम झाड़ू पकड़ियो, तुम जो कहियो हम जा रहे और हम कहें हम जा रहे तो भाई शर्म लगे तो झाड़ू लगाने लगे। बोले ठीक है, दोनों जन ने सलाह करी और झाड़ू लेके आंगन में गए। सो लड़का ने अम्मा से झाड़ू छड़ा, बोले अम्मा तू ना हम जा रहे, बोले तू ना हम जा रहे।
बहू में तो उठ गए ठाड़ी भाई बोले तुम लोग काहे लड़े। बोले बहू जूजा का हम जा रहे हैं, हम का हम जा रहे हैं। तो बहू ने डंडा लाओ हाथ भरे को बीच में तो आंगन में तो लकीर करते ही बोले लड़ो ना ये को तुम जाल ले, ये को तुम जाल ले। ठीक है ना, पढ़ी लिखी हूँ कोई ऐसी वैसी बिटिया हूँ तो कमी माफी चाहेंगे, जैसा कुछ है वैसा चल ले दो और सुधार करने की कोशिश करें। आइए प्रसंग चल रहा था, परिचय जी कहाँ थे हम? आइए माई लड़ती तो नहीं महाराज, आइए रुक्मिणी शादी के योग हो तो महाराज भीष्म की पत्नी ने विचार किया है कि महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है, क्यों हमेशा भाई दरबार में ही लगे रहते हैं, बिटिया शादी के योग हो गई उन्हें कुछ चिंता ही नहीं रहते। एक काम करो दासी, प्रयोग सुता हुई गई है रे के सोची उठी महाराज, लाला महारानी ने कहा दासी थोड़ा मेरी ओर आओ मेरी बात सुनो। बैठा लिया महारानी ने अपने प्रियतम को उच्च आसन पर, आइए महाराज आइए। महाराज भीष्मक ने कहा देवी कहिए भगवान